मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुजरात के गोधरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि आपको दंगाइयों को सबक सिखाने के साथ साथ टुकड़े गैंग के खिलाफ मतदान करना है। इस मौके पर मिश्रा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गुजरात के गोधरा में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरे गोधरा के मतदाता बंधुओं, आपको कमल का बटन दबाकर देश की शांति, अखंडता और दंगाइयों को सबक सिखाने के साथ साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ मतदान करना है। उन्होंने कहा, आज शोध और सोच का विषय यही है कि कांग्रेस किसी प्रदेश में रिपीट क्यों नहीं होती है। देश की जनता में भाजपा के प्रति जो विश्वास है वह और बढ़ रहा है। आप वाले केजरीवाल के पास दिल्ली की समस्या को छोड़कर सभी प्रदेश की समस्याओं का समाधान है। देश की शांति के लिए मतदान करना होगा कमल का बटन दबा करके, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए और भारत के सम्मान के लिए आपको मतदान करने की तारीख आ रही है और इसलिए कोई रह न जाए, इस बात को हमको देखना होगा और हमको इस बात की चिंता भी करनी होगी। कोई रह न जाए, अकेले अपने वोट की चिंता नहीं करनी हो, जीत का रिकॉर्ड यहां पर बनाना पड़ेगा। वो लोग जो बकरी की पूंछ के ऊपर लात रखने पे दंगा कर देते थे, उनको सबक सिखाने के लिए मतदान करना होगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ मतदान करना होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गुजरात ने देश को वैश्विक नेता दिया है। गांधी जी और सरदार पटेल जी के बाद मोदी जी है जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। राष्ट्रवाद की बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती है। हम इस बार भारी मतों से जीतकर पिछले रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। मैं कई दिनों से गुजरात में घूम रहा हूं, हर जगह सिर्फ भाजपा ही भाजपा है। भाजपा गुजरात में जीतेगी तो एमपी राजस्थान भी हमें जीता जिताया मिलेगा। सभी वर्गों की चिंता पीएम मोदी करते हैं। हमारे यहाँ मिश्री को, जो मिश्री मावा मिश्री होती है, औषधि के काम आती है आयुर्वेद में, उस मिश्री को अमृत कहा गया है, लेकिन गधा उसको खा ले तो मर जाता है। कौआ, हमारे यहाँ नीम को हकीम कहा है, कौआ जिस नीम पे रहता है उसकी निबोरी को खा ले तो वो कौआ मर जाता है। अब ये है तो सब चीजें अमृत, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं कि उनको हजम नहीं होती है। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे हैं इस देश के अंदर जिसको राष्ट्रवाद की बात हजम नहीं होती है। ये राष्ट्रवाद की बात करो तो ये मरने की बातें करने लगते हैं। मेरे मित्रों, ये चुनाव जो आपके सामने है ये साधारण चुनाव नहीं है। आज मैं एक महीने से आपके गुजरात के अंदर घूम रहा हूं, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी, और जैसी इस बार जीतने वाली है ऐसी कभी नहीं जीती होगी। माननीय मोदी जी का जादू सर पर बोल रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।